गुड मॉर्निंग गाइस आज अभी सुबह के साढ़े आठ बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों की तो आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो हम लंच में भी खा लेंगे और डिनर में भी खा लेंगे क्योंकि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है ना कि मैं घर पे एक छोटा सा पार्लर भी चलाती हूँ तो आज मेरे पार्लर में कई बुकिंग हैं इसलिए मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ बच्चों के लिए हस्बैंड तो चले जाएंगे जैसे शादियों के कार्ड वगैरह हैं तो वो चले जाते हैं व्यवहार लिखवाने के लिए पर बच्चे तो घर पे हैं तो आज मैंने कुछ ऐसा बनाया जिसे बच्चे खुशी खुशी दोपहर में भी खा लें और वो रात को भी खा लें तो सबसे पहले मैंने पालक को गर्म पानी में डालकर हल्का सा बॉयल किया है कलर ना जाए उसका बस हमें इतना बॉयल करना है और गर्म गर्म ही मैंने उसको छन्नी में निकाला पानी उसका हटाया हरी मिर्ची और लहसुन डालकर इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में उसका पेस्ट बना लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है आज मैं बहुत बिजी हूँ वैसे मैं हल्का सा इसको ठंडा करके पीसती हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि ये भाप छोड़ रहा है ये देखिए पर सर्दी का मौसम है ना तो थोड़ा इतना गर्म नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म लगे अब फटाफट से जब पालक को हमने पीस लिया है ना तो यहाँ पर मैं पालक की खस्ता पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए नमकीन और साथ में मैं कुछ और भी बनाऊँगी उनके लिए तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूं का आटा ले लेंगे और गेहूं के आटे में इस पालक को हम डाल देंगे एक तो पालक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए और दूसरी चीज़ मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है जैसे आप इसको डालकर इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट आता है और यहाँ पालक डालने के बाद अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन हेल्दी होती है पाचक होती है पूड़ी वगैरह आसानी से बच्चे हजम कर जाएं इसको खाकर और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मेल्ट करके घी लिया है आप ऑयल भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है अब हम इस आटे को बिना पानी की सहायता के पहले मिक्स करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पालक डाली है और ऑयल है तो आटे को पहले इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे और इसी में आप आटे को लगाएंगे ना पालक में तो ये ज़्यादा सॉफ्ट पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं आप इस आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं रोटी भी बना सकते हैं तो सुबह के खाने में हस्बैंड भी खाना खाएंगे दोपहर को तो देखिए मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ और बच्चों के लिए क्या बनाती हूँ तो यहाँ पर बढ़िया टाइट सा आटा मैंने लगा लिया है और आटे को साइड में ढाक कर रख देंगे तब तक देखिए टाइम हो गया है हस्बैंड नहाकर आ गए हैं तो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी मैक्रोनी तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर गर्म कर देती हूँ सर्दी का मौसम है तो ठंडी हो जाती है और ठंडा नाश्ता तो किसी को अच्छा नहीं लगता है तो फटाफट से मैंने मेरे लिए और उनके लिए चाय भी बना ली है तो यहाँ पर कड़क दूध वाली चाय बन रही है चीनी चाय की पत्ती अदरक और दूध बढ़िया सा बॉयल कीजिए और चाय के कहने ही क्या सर्दियों में तो सभी को चाय बहुत अच्छी लगती है तो हस्बैंड का नाश्ता हो गया है अब मैंने ले लिया यहाँ पर कुकर क्योंकि जब हम ये पालक की खस्ता पूड़ियाँ बनाएंगे तो उनके साथ खाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए तो आज यहाँ बना रही हूँ मैं मेरी मम्मी की बहुत ही फेवरेट सी सब्ज़ी मेरी मम्मी जब ये बनाती थी ना तो हम सब इसको खाते थे और वो खरी खरी रोटियाँ हम लोगों को चूल्हे में सेक कर जैसे कुरकुरी रोटियाँ दे देती थी और हम सब भाई बहन बैठ खाते थे बहुत अच्छी लगती थी अब तो बहुत टाइम हो गया है मम्मी के हाथ का खाना खाएँ तो यहाँ सरसों का तेल डाला मैंने तेज़ डाल दिया और इसी तरह से महीन कट किया हुआ लहसुन अदरक और प्याज ले लिया है हरी मिर्ची को हम बाद में ऐड करेंगे हरी मिर्ची जल जाती है और आप जाएंगे मसाले तो यहाँ पर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर बेसिक से मसाले हैं सबके किचन में मिल जाते हैं और यहाँ पर एक चम्मच में किचन किंग मसाला डाल रही हूँ जिससे बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा सब्ज़ी में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए मेरी मम्मी सर्दियों में अक्सर ये सब्ज़ी बनाया करती थी और बहुत टेस्टी बनती थी सब कुछ इसी तरह से काट पीट के डाल देती थी या फिर कहिए कि सभी की मम्मी के हाथ का टेस्ट अच्छा होता है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लिया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो यहाँ पर मैंने अब इसमें डाला है टमाटर तो टमाटर को भी इसी तरह से कट करके डाल दिया है हमने और टमाटर को मसालों के साथ भूनेंगे फिर मैं ले रही हूँ मटर और गोभी क्योंकि मम्मी ना इसी तरह से बनाती थी आलू गोभी मटर टमाटर सब कुछ डाल दिया करती थी और हल्का सा बिल्कुल पानी डालकर थोड़ा सा धनिया यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरह से धनिया डालिए ना तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है सब्ज़ी में अलग ही तरह का फ्लेवर आता है आधा मैंने बचा लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इस से चला रही हूँ ना कुकर में सब्जियों को तो देखने में ही कितनी अच्छी लग रही हैं तो सोचिए आप खाने में कितनी मज़ेदार लगेंगी अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा भाप में पहले पकाऊंगी जैसे दम दिया जाता है ना बिरयानी वगैरह में उसी तरह से इसमें दम देंगे तो उससे होगा क्या जो सब्जियाँ हैं ना तो यहाँ सब्जियों को हमने तला नहीं है फ्राई नहीं किया है इस तरह से अगर आप दम देकर बनाएंगे ना तो सब्जियों में फ्लेवर चला जाता है मसाले का अब यहाँ पानी की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ दूध ये ठंडा दूध है और आपको भी ठंडा ही दूध लेना है क्योंकि आप अगर गर्म दूध लेंगे तो वो फट जाएगा और यकीन मानिए एक बार इस सब्ज़ी में दूध डालकर देखिएगा कितनी बढ़िया लगती है मतलब मम्मी तो पानी डालकर ही बनाती थी हल्की गाढ़ी गाढ़ी सी पर मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में मतलब आप कह नहीं सकते एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छी लगेगी आपको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर मैं सैलेड भी काट कर रख देती हूँ क्योंकि दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा बच्चों को मैं खाना वगैरह बड़ी बेटी लगा लेती है अपने हाथ से खाना तो वो खा लेगी लगा कर प्लेट अपनी लेकिन सैलेड वगैरह काट के रख दूंगी ना तो उसको आसानी रहेगी बच्चे चाकू वगैरह छुए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाथ वाथ कट जाए उनका तो सारा कुछ मैं इस तरह से कट करके रख देती हूँ और मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी नमक वो खुद ही डाल लेगी तो यहाँ पर मैंने गाजर खीरा चुकंदर टमाटर जो भी बच्चों को पसंद है सब यहाँ पर कट कर दिया थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और बस टिफ़िन का ढक्कन लगा कर मैं इस तरह से रख दूँगी बाहर सर्दियाँ हैं तो इसमें कुछ ख़राब भी नहीं होना है और कुकर में सीटियाँ लग रही हैं तब तक यहाँ पर हम पूड़ियाँ अपनी बेल लेंगे तो मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है हॉट पॉट में तो इसको साइड में रख देंगे और पूड़ियों को ना हमेशा जब भी बनाइए किसी भी चीज़ की पूड़ियाँ बनाइए आप आटा बहुत टाइट लगाइए आटा टाइट लगाएंगे ना आप तो आपको सूखा आटा नहीं लगाना पड़ेगा इससे जो भी आपका तेल रिफाइंड होगा कढ़ाई वाला वो ख़राब नहीं होता है और जो पूड़ियाँ बनती हैं ना वो अलग ही तरह की होती हैं जो उनकी ऊपर की लेयर होती है वो बहुत अच्छी और बहुत अलग तरह की होती है तो यहाँ पर बीच बीच में मुझे और भी काम आ जाते हैं तो मैं वो देखने चली जाती हूँ तो यहाँ पर मैं अभी दोपहर और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ सुबह मैंने मैक्रोनी नाश्ते में बनाई थी बच्चे भी टिफ़िन में लेकर चले गए मैंने और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया अब यहाँ पर मेरी सब्ज़ी में सीटियाँ लग गई हैं उसको मैंने साइड में रख दिया है दो सीटियाँ लगाई दी मैंने और बस ऑयल गर्म हो रहा है कढ़ाई में तो यहाँ पर मैं पूड़ियों को बेल रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी पतली पूड़ियाँ मिल रही हैं और यहाँ पर मैंने ज़रा सा भी कुछ इस्तेमाल नहीं किया है और मेरी छोटी वाली गुड़िया रानी उठ गई हैं तो मैं बस उनको देख लेती हूँ दूध वगैरह दे दूँ उनको भी क्योंकि उसे भी स्कूल जाना है तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी तो देखिए मैंने कितनी ढेर सारी पूड़ियाँ एक साथ बेल दी हैं और मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि कढ़ाई का तेल गर्म हो जाता है और मैंने चार लोई बचा कर रख दी हैं उनकी बनाऊँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियाँ वो पूड़ियों मतलब पूड़ियों को थोड़ा कम पसंद करते हैं और वो रोटी खाएंगे तो मैं इसी आटे की उनके लिए रोटियां सेक दूंगी तो ये देखिए कितनी बढ़िया पालक की फूली फूली सी यहाँ पर कुरकुरी करारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही है आप इनको खस्ता कचौड़ियाँ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें मैंने मोयन लगाया है नमक मिर्ची पड़ा है लहसुन अदरक पड़ा है तो ये खस्ता कचौड़ी जैसा भी टेस्ट देती हैं जैसे शादी वगैरह में खस्ता कचौड़ी होती है ना पालक की उस तरह से तो यहाँ पर मैं इन सभी को बढ़िया सा सेक कर हॉट पॉट में दबा कर रख दूँगी ऊपर से टिशु पेपर लगा कर ताकि ये थोड़ी देर तो गर्म बनी रहे दोपहर के खाने तक और ये पूड़ी ऐसी होती हैं कि ये ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती हैं अगर मैं शाम को बिज़ी रहूँगी तो बच्चे मेरे खा लेंगे क्योंकि बच्चों को देखना पहली जिम्मेदारी है काम तो बाद की चीज़ है तो यहाँ पर पूरी मेरी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए यहाँ पर मेरी टेस्टी और यम्मी सी ये दूध वाली सब्जी भी बनकर तैयार है देखा ना आपने कितना बढ़िया कलर आया है इसमें इसमें ना बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट आता है जैसे हम पनीर खा रहे हों पर इसमें जो आलू गोभी मटर टमाटर पड़े होते हैं तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था साइड में और फटाफट से चार रोटियां सेक कर रख दूंगी मैं हस्बैंड के लिए क्योंकि वो पूरी नहीं खाएंगे तो सारा खाना पैक कर देंगे और यहाँ पर मैंने उसी आटे की रोटियां बना ली हैं फटाफट से बनाती जा रही हूँ क्योंकि मैं जब किचन में आई थी तब से मुझे बहुत टाइम हो गया है बाहर के काम भी मुझे अभी देखने हैं बच्चों को स्कूल भी बे... बेटी चली गई है बड़ी वाली पर अभी छोटी वाली बिटिया रानी को मुझे स्कूल भेजना है तो मैं यहाँ काम खत्म करती जा रही हूँ यहाँ फटाफट से मैं काम खत्म कर लूँ खाना पैक करके रख दूँ पूरा ढक द... मतलब बना के ढक करके रख दूँ ताकि मैं बिजी रहूँगी तो अगर आपको ये टेस्टी सा लंच और डिनर पसंद आया हो ना तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका रेसिपी पसंद आ रही हो ना ये पालक की पूड़ी और मेरी मम्मी के हाथ की ये आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही रेसिपी को फिर से मैं आपसे बोलूँगी कि शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम सभी बिज़ी रहते हैं कुछ ऐसा जो बच्चे लंच में खा लें डिनर में खा लें तो सभी को अच्छा लगता है तो अगर आपको ये पालक की पूड़ी रोटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो यहाँ पर रोटियों को घी लगा देते हैं और बस उनको मैं टिशू पेपर में करके रख दूँगी ताकि वो दोपहर में खा लें आके अभी तो नाश्ता करके निकल गए हैं और यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ पालक की तैयार हैं ये देखिए तो मैं इनको इस तरह से बढ़िया सा टिशू पेपर में फोल्ड करके पूड़ियों के साथ रखने वाली हूँ तो पूड़ियों को मैंने दबा दिया था ताकि वो काफ़ी देर तक गर्म बनी रहे तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मैं बिजी हो जाऊँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा मुझे बार बार जाना पड़ता है कोई ना कोई पार्लर में आ जाता है इस समय सारक का टाइम चल रहा है तो पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ आज अपने हाथ की पूड़ी और सब्जी को So please like, share, follow and subscribe.